हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कॉमेडी के जाने माने किंग और बहुत ही पुराने आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। इनका नाम है, वैसे तो दर्शक इनको पहचानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार नाम बता देता हूँ। इनका नाम है सुबोध श्रीवास्तव। तो जानते हैं जरा उनसे, उनके बारे में कुछ बातें। सर जी, हमारे पहले मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद। और जरा दर्शकों के लिए आप थोड़ा बताइए आज के बारे में, जो आज हमारे लिए जो है चैनल से भेजा गया है आपसे बातचीत करने के लिए, तो आज क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है एज एन एक्टर। मैंने दिल्ली में थिएटर किया सतीश जी के साथ, और ये समझ लीजिए मेरी 30-35 साल की जर्नी है। और मैंने दूरदर्शन का बहुत काम किया। आपने शायद पुलिस फाइल का नाम सुना होगा, 85 में बना था, तो पुलिस फाइल मैंने किया। उसके बाद नैला अचल बना, इसमें मैंने काम किया। उसके बाद मैंने कॉमेडी, मेरा बहुत सब्जेक्ट रहा है। मैंने कम से कम 10 मैंने टाइटल रोल किया कॉमेडी। उस ज़माने के अंदर दूरदर्शन के अंदर कोई 10 एपिसोड का बनता था, कोई 15 एपिसोड का बनता था, जैसे घर घर के तमाशे, जासूस फरीदाबादी, तौबा तौबा, डॉक्टर हैरान भरी परेशान, इस तरह के सीरियल मैंने, जिसमें मैंने मेन रोल किया। एक ऐलान भरी सीरियल किया था जिसमें मनोरमा एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, वो मेरी सास थी। और ये 89 की बात हो गई। और फिर सरकम चांसेस कुछ ऐसे रहे कि मैं बम्बई आया, लेकिन मैं कुछ फैमिली की वजह से मुझे दोबारा दिल्ली का फिर जाना पड़ा, तो एक गैप आता रहा कभी उसके। मैंने एक फिल्म करी थी आशिक आवारा, सैफ अली की वो पहली फिल्म थी, इंट्रोड्यूसिंग थी, 91 के अंदर बनी थी वो। उसमें मैंने मूलचंद फर्नीचर वाले का रोल किया था, और मैं फॉर द टाइमिंग उस समय ज़माने में बम्बई आया था, तो उमेश मेहरा जो ईगल फिल्म्स की बहुत बड़ा बैनर है ईगल फिल्म्स का, तो मैं उनसे मिलने गया ग्रांड रोड पे मिनर्वा थिएटर के अंदर। तो मैंने अपना उनको पर्चा भेजा, तो वो या तो किसी काम से या वो आए, पर्चा लेकर आए, कहें सुबह तुम कैसे आए? मैंने कहा सर मैं बम्बई आया हूँ। तो वो फिल्म बना रहे थे आशिक आवारा, और लगभग आशिक आवारा पूरी हो चुकी थी। तो उन्होंने मैं से कहा कि सुबह दे बिल्कुल एक हफ्ते बाद फोन करना, उस ज़माने मोबाइल नहीं हुआ करते थे, 91 की बात होती। मैंने एक हफ्ते बाद उनको फ़ोन किया। उन्होंने फिर कहा कि सुबह मुझे फला तारीख को फ़ोन करना। मैंने फिर उनको उसी दिन फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझको बुलाया पेशी होटल के अंदर, रूम में पेशी होटल था, वहाँ जाके फिर मैंने शूट किया। तो मैंने एक छोटा सा करेक्टर था, कॉमेडी करेक्टर था, वो मैंने उसके अंदर किया। उसके बाद दूसरा मेरा सवाल है, आप जिंदगी दे दी, आपके बहुत सारे शिष्य हैं जो इस समय इंडस्ट्री में धमाल मचाए हुए हैं, चाहे कोई छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा हो, आपके शिष्यों के लिए वहाँ जरूर बुलाया जाता है, तो आप अपने एक दो शिष्य का किसी का वर्णन करेंगे आप बताएंगे? देखिए, शिष्य तो वैसे मैं कभी ट्रेनर तो रहा नहीं कि मैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत लोग हैं कॉमेडी में जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, तो उनके बारे में आपको कुछ वर्णन करें। भाई देखिएगा, काफ़ी लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है, और आप एक सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं कि मैं आपने एक मैंने फिल्म करी थी कहर, वो भी 89 के अंदर करी थी। उस फिल्म की कास्टिंग थी उपासना सिंह का, आपने नाम सुना होगा, जो अभी कपिल के प्रोग्राम में भी आती है, तो उसमें इंट्रोड्यूसिंग थी। और मैंने उनके बड़े भाई का रोल किया था, और भारत भूषण ने फादर का रोल किया था। उसकी कास्ट थी सदा के अब्दापुर पर सुभूषण सलमदा, यूनुस परवेज, भारत भूषण, चांद उस्मानी की थी, अब नहीं रही चांद उस्मानी। और मैंने हेमंत ब्रिजे उसके अंदर, उस ज़माने में हेमंत ब्रिजे का काफ़ी नाम हो गया था, और हेमंत ब्रिजे उसमें हीरो थे, और उपासना सिंह उसके अंदर हीरो थे। उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बनी और बन के डिब्बा हो गया, वो रिलीज नहीं हुई। इस तरह लोगों ने मुझे मेरे को मतलब रिकोगनाइज किया है मैंने, तो मेरे को जो भी काम मिला, क्योंकि अगर मान लो मेरे में अंदर एक्टिंग की क्वालिटी नहीं होती, तो लोग मुझे छोटे फिलर करेक्टर में खड़े रह देते हैं, लेकिन मैं दूरदर्शन के अंदर बहुत बड़ा बड़ा काम किया, और लोगों ने मुझे बड़े बड़े रोल दिए। तो सरकम चांसेस की वजह 2000 के बाद जो है ना, कुछ सरकम चांसेस ऐसे आए कि मैं बम्बई से लगातार कनेक्शन में नहीं रह पाया, एक लंबा गैप मेरे को आ गया। तो उस गैप का मुझे खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और आज भी भुगतना पड़ रहा है कि
अब वो लोग काम कर रहे हैं जिनको जो जिनको मैं जानता नहीं। जी एक बार सर जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने जैसे कहा आप इतने समय से मुंबई में आए, आपने बहुत सारे थिएटर किए, भारत में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ लोग सुबोध श्रीवास्तव को नहीं जानते, लेकिन सर जी क्या आपने कोई एक्टिंग का कोर्स किया था या ये एक्टिंग का कोर्स इस लाइन में आने के लिए जरूरी है, ऐसा कुछ हमारे दर्शकों के लिए बताइए आप। देखिए ये जो बात आपने पूछी मेरे बहुत मन के करीब है, जैसे आप सिंगिंग में देखते हैं, सिंगिंग के अंदर एक आदमी बहुत मधुर सुर के अंदर गाता है और एक आदमी रियाज कर करके भी उतना सुर नहीं गा पाता। रीजन क्या होता है कि ये टैलेंट होता है ना, ये ऊपर वाले खुदा के लिए आदमी क्रिएट नहीं कर पाता। ये जो घमंड से कहते हैं ना कि हम आपको एक्टिंग सिखा देंगे, छूट देते हैं, धोखा देते हैं, आप एक्टर बना नहीं सकते करने को, तो आप चलते चलते आदमी से कह दीजिए ये दो डायलॉग बोलते तो डायलॉग बोलते उससे को रोके दिखा दे और रोके दिखा देता, चाहे वो किसी भी लेवल का रोके दिखाए, एक्टर नहीं है कुछ भी करके दिखाएगा तो नहीं बन जाता। आप यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोगों को बुलाते हैं, लोग बाग आपके झांसे के अंदर आ जाते हैं, आप उनको एक्टर कितने एक्टर निकालते हैं, आप बना ही नहीं सकते। और मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ये जितने एक्टिंग सिखाने वाले इंस्टीट्यूट हैं ये धोखा देते हैं, एक्टर बना ही नहीं सकते आप। तो सचिव उसके लिए जो इस लाइन में आना चाहते हैं, अभी आपने थोड़ी सुर की बात की तो थोड़ा सा मैं बात को थोड़ा चेंज करूँगा। सजी सुर के बारे में भी काफ़ी आप गज़ल वगैरह भी आपने बहुत सारी गाई हैं, गीत संगीत से भी आप जुड़े रहे हैं, तो वो भी मुझे याद आ गया। तो एक गीत और संगीत से जुड़े रहने के लिए और एक एक्टिंग लाइन में आने के लिए हमारे जो नए दर्शक हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए आज की तारीख के अंदर मैं किसी को गाइड करूँ तो ये कोई बेमानी सी बात हो जाती है। आज ये सिस्टम बन गया ना, वो ऐसे लोगों का सिस्टम बन गया कि नॉन क्रिएटिव लोग, यहाँ पर इतनी जो भीड़ लगी है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नॉन क्रिएटिव आदमी है। आप ये देखिए कि आप ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, बस गधे घोड़े को एक ही लाइन के अंदर आप खड़ा कर देते हैं और ऑडिशन लेने के बाद वो ऑडिशन देने के नहीं आते। आप देखिए आप ये बताइए, इतने ऑडिशन के लेने के बाद आप देखिए इतने आप सीरियल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, आप इतने एक्टरों की देखिए एक्टिंग देखिए बाबा करके उठते हैं, आज तक आपको लगा कि कोई सीरियल के अंदर ऐसा एक्टर है जिसके एक्टिंग देखे आपका क्या कमाल एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा हो गया जिसको डायरेक्टर तो कोई बोले, जिसे आज के टाइम के अंदर किसी को एक्टर बनाना जो क्लेम करते हैं वो झूठ, 100% झूठ क्लेम करते हैं, कर ही नहीं सकते। और जो करते हैं हजारों लड़के पूरे हिंदुस्तान, मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों से मैं मिला हूँ जो कहते हैं कि मैंने अपनी लिस्ट में दर्ज किया, मैंने 5,000 ऑडिशन दिया, कोई लड़की बोलती है मैंने 2,000 ऑडिशन दिया है, कोई लड़की बोलती है मैंने 3,000 ऑडिशन दिया है, आप तो सर बहुत पुराने इस लाइन में। तो इसका मतलब हम यही जानते हैं कि ऑडिशन जो है एक लड़कों को लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए, बिल्कुल बेवकूफ बनाने का जरिया होता है ऑडिशन। आप देखिए एक एक्टर जिसने 30 साल काम किया हुआ उसका क्या ऑडिशन देना है? आपको उसने 36 जगह आपने उसको स्क्रीन पर देखा उसका ऑडिशन देना है? और फिर क्या टीवी चलवा रहे हैं आप ऑडिशन लेके एक रिकॉग्नाइज एक्टर से इसको लाइन में खड़ा करके, अरे करेक्टर एक्टर फॉर्म करता है, किसी कोई डायरेक्टर फॉर्म कर ही नहीं सकता। इट इज द एबिलिटी ऑफ द एक्टर टू डायरेक्टर, क्या कि डायरेक्टर आपको इमोशन बता सकता है एक इस करेक्टर की ये सिचुएशन है, ये इमोशन है, एक्टिंग को अपने आप निकालेगा। वरना तो हर अगर आप क्लेम करते हो तो हर आदमी को अमिताभ बच्चन बना दो, हर आदमी को दिलीप कुमार बना दो, बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो जब आप बना ही नहीं सकते तो आप क्लेम क्यों करते हो? क्लेम क्यों करते हो कि आपने लोगों से पैसे और भी बहुत सर जी मेरा। तो देखिए अभी इतने बड़े आर्टिस्ट जिन्होंने हमें इतनी जानकारी दी कि यहाँ पे जो ऑडिशन लोग करते हैं ये बाकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा मैंने लगभग 1,000 लड़कियाँ 5,000 लड़कों का जो इंस्टाग्राम लाइव से हैं उनका मैंने रिसर्च किया, उन्होंने ये बताया कि हमने अपनी डायरी में 2,000 ऑडिशन लिख के रखे हैं, कोई लड़की ने बताया मैं 1,000 ऑडिशन दे चुकी हूँ, कोई लड़का कहता है मैं 5,000 ऑडिशन दे चुका हूँ। तो जो अभी सुबोध श्रीवास्तव जी ने जो बात कही ये वाकई बिल्कुल ठीक है। और मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा सर जी, कैसे हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी दर्शक हैं
कैसा क्या उन्हें करना चाहिए क्योंकि एक फिल्म लाइन में छोटा मोटा उनका मुकाम बना सके, क्योंकि जब आप आए थे तो उस समय मुकाम इसलिए बन जाता था कम आर्टिस्ट थे। आज आपने ये भी बताया कि बहुत सारे लोग, क्या करना चाहिए सर, कुछ एक उपाय छोटा सा। देखिए दोस्त, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ग्लैमर की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया अट्रैक्ट करती है। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव कस्बों के अंदर लोगों को, क्योंकि यहाँ की कहानी तो उनको मालूम नहीं होती, वहाँ पे उनको सारा रंग चोखा चोखा नजर आता है। मैं जो आम आदमी से कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, सबसे पहले अपने को पहचानना जरूरी है, अपने को परखना जरूरी है। जब तक आप अपने को नहीं परखेंगे, शक्ल देख के कोई एक्टर नहीं बनता। जी, अगर मुझे लगता है कि मेरी बॉडी है, मेरी हाइट, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरे घर पर मैं 20-25 लाख रुपया भी घर से ला सकता हूँ, तो क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ? अब एक बात बताइए, आप ऐड के अंदर भी देख लीजिए, जो रिकॉग्नाइज चेहरे हैं, वो ये मोटे जो करेक्टर नज़र आते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस है, कितने बॉडी बिल्डर नज़र आते हैं। बॉडी बिल्डर तो वहीं चाहिए होते हैं जहाँ ऐसे फाइड होते हैं कि यहाँ पर बॉडी बिल्डर चाहिए, वरना तो करेक्टर है आर्टिस्ट ही होते हैं। बॉडी बिल्डर को तो रिजेक्ट कर देंगे आपसे, उनके दिमाग के अंदर एक सलमान खान और ये आमिर खान कहते हैं भाई, सलमान खान इस वजह से फिल्मों में नहीं आया कि वो बॉडी बिल्डर था। सलमान खान को चांस इस वजह से मिला कि वो इतने बड़े आदमी का बेटा, या आमिर खान को उन्होंने बात के अंदर अपने को प्रूव किया। वो बात दूसरी है, आमिर खान को भी चांस हर आदमी को मिल जाता, आमिर खान को भी चांस मिला, ये बात सही है कि उसने अपने को प्रूव किया, हर आदमी को प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन इनिशियल चांस मिलना हर आदमी को नहीं मिल सकता, जो जिन पे अपॉर्चुनिटीज होती है, जो फिल्म लाइन के लोगों के बच्चे होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी आम आदमी को नहीं होती। फिर उस भीड़ के अंदर आप आगे एक बोझे की तरह आके यहाँ खड़े हो जाते हैं, अपनी बॉडियाँ बनाने लगते हैं, अपने मसल्स बनाने लगते हैं, और जाके अपने बच्चे खाते हैं, बड़ा पाव खा के गुजारा करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो मैं किसी को, देखिए मैं तो किसी को गलत गाइड कर नहीं सकता, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी क्षमता को पहचान, खुद को पहचानना ज़रूरी होता है कि आप एक्टर हैं। ये जो क्लेम करते हैं ये झूठ क्लेम करते हैं, जो आपको एक्टिंग सिखाने का क्लेम करते हैं सब झूठे हैं, वो खुद एक्टिंग करना नहीं जानते, दूसरे को क्या एक्टिंग सिखाएंगे? बेटा खुद तो एक्टर बन जाओ भाई, दूसरों को क्या सिखाओगे? जी, तो ये मैं तो सबसे ही कहेंगे भाई, आप इस लाइन के अंदर आते हैं, चाहे वो सिंगिंग के अंदर आए, चाहे आप डायरेक्शन के अंदर आए, चाहे एज एन एक्टर बनने आए, अपने को पहचानना जरूरी है। पहचान के आइए तब ये आपके लिए कुछ रास्ता बन सकता है, वरना तो धक्के खाने। सर जी, आपने हमारे दर्शकों को